अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़िश मसाला ग्रेवी की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, तो आप भी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। इस फ़िश ग्रेवी को आप चावल के साथ ट्राई करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले लेंगे फ़िश। मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी लिया है, यानी 500 ग्राम। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर देंगे। हाथों से मिक्स करने से नमक अच्छे से चले जाएगा फिश के अंदर। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें मैंने सरसों तेल डाला है, अगर आपके पास भी सरसों तेल अवेलेबल है तो आप कोशिश करें कि सरसों तेल में ही इसे फ्राई करें। तो एक एक करके आप फिश को डाल दीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने के लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिश कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे मैंने पलट दिया है। हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल देंगे। बची हुई फ़िश को भी आप फ्राई कर लीजिए। तो मैंने भी सारी फ़िश को फ्राई कर लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया है। बस हमें गोल्डन फ्राई करना है, जिस तरह से दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने फ़िश में आलू भी डाला है, जिसे मैंने छील करके और ऐसे राउंड राउंड शेप में काट लिया है। फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितनी थिकनेस रखी है मैंने आलू की। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। अगर आप आलू को स्किप करना चाहती हैं तो आलू को स्किप कर सकती है। मैंने बचे हुए फ़िश के तेल में ही आलू को फ्राई कर दिया है। इसमें मैंने डाला है नमक 1/4 टीस्पून, यानी 1/4। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए और इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने कम रखा है ताकि आलू हमारे गल जाए। तो आलू फ्राई हो चुका है, इसे अब हम हटा देंगे। मैंने एक दूसरी कढ़ाई लिया है ग्रेवी रेडी करने के लिए। इसमें मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल। फ़िश बनाने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सरसों का तेल ही यूज़ करें। इसमें मैंने डाला है राई और मेथी, ये दोनों मिक्स करके 1/2 टीस्पून है। इसमें मैंने करी लीव्स भी लिया है, अगर आप चाहें तो करी लीव्स भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने राई और मेथी साथ में करी लीव्स भी ऐड कर दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, बारीक ग्राइंड, और उसे भी डाल देंगे। तो प्याज के पेस्ट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो इस पर हम सबसे पहले डाल रहे हैं नमक, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली है, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है भरकर। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ले लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून। नेक्स्ट मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से पकने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, तो आप भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए
इसे मैंने ढककर छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। देखिए मसाला हमारा पक चुका है और तेल भी ऊपर फ्लोट हो रहा है। अब हम यहीं पर डाल देंगे आलू जिसे मैंने फ्राई किया था, उसे भी डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर तक हम इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर, मैंने एक टमाटर लिया था जिसे मीडियम चॉप कर लिया है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। तो मसाला और आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। यहीं पे मैंने डाल दिया है पानी, मैंने 1 गिलास डाला है। आपको जितनी क्वांटिटी में ग्रेवी बनानी है आप उतने अंदाज का पानी डाल दीजिए इसमें। मैंने ऊपर से फिश डाल दिया है इसमें, इस तरह से आप सजा दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके हम टॉप पे डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती, बारीक चॉप करके आप इस पर डाल दीजिए और इसे हम ढक देंगे। तो हमारे फिश में बॉईल आ चुका है, बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा फिश बनकर रेडी हो चुका है, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। आप इसे चावल के साथ ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसे सर्व कर लिया है एक बाउल में। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर रेसिपी।